स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस अब मॉर्निंग में भी चला करेगी, और जो ये क्लास है आपकी, ये डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी और पर्टिकुलर अपने टाइम पर, जो कि इसका टाइम है आप देख सकते हैं 3 बजे दोपहर को। तो जैसे कि आपका स्वागत है, फिर से गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बिजनेस लॉ का बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है प्रपोजल। ये एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आज हम समझेंगे व्हाट इज प्रपोजल एंड द लीगल रूल्स अबाउट द प्रपोजल। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आल्सो, यू बोथ कैन ज्वाइन अस, यू बोथ कैन फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्द आपको इन सब के जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उसके लिए भी चैनल पर जुड़े रहिएगा। आज का टॉपिक है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? तो भाई, प्रपोज करना आज कौन नहीं जानता। प्रपोज शब्द जानते ही चेहरे पे स्माइल तो आ गई होगी आप सभी के, लेकिन मैं बिजनेस की प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और प्रपोजल की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, द मीनिंग प्रपोजल, देर इज अ थ्री जो टर्म्स हो सकती हैं, जैसे एक है ऑफरर, एक है कंसेंट और एक है ऑफी ऑफरी। अब ये इनका हिंदी मीनिंग क्या है? ऑफरर जो होता है उसे हिंदी में कहीं ना कहीं प्रस्तावक कहते हैं, यानी कि जो पर्सन है, मान लीजिए कि ये आपका ए है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, और जो ये पर्सन है ऑफरी, ये है बी। ए अगर बी के सम्मुख, यानी कि बी के पास अपना कोई काम करने के लिए कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, ऐसा कोई प्रपोजल रखता है और उसके लिए बी से ये चाहता है कि वो उस कार्य को करने की, उस काम को करने की के लिए अपनी सहमति दे, यानी कि अपना कंसेंट दे। कंसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सहमति। अब ए बी को कहेगा भाई मेरा ये काम कर दे, बी या तो उसे हाँ कहेगा या उसे ना कहेगा, तो बी ने जो भी उसका रिप्लाई दिया उसे कंसेंट कहते हैं, और ए ने जो अपनी बात रखी उसे प्रस्ताव कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। तो वन अ पर्सन, जी हाँ, वेन अ पर्सन प्रेजेंट देयर, जी हाँ, ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, यहाँ पे वैन आएगा, ठीक है। वैन ए पर्सन प्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ऑफ वर्क इनटू अनदर पर्सन टू गेट कंसेंट फ्रॉम हिम अबाउट टू डू और नॉट टू डू, यानी कि जब एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा रखता है और उस व्यक्ति की जो कंसेंट है, यानी कि जो सहमति है काम को करने की या न करने की, सामने प्राप्त करता है, तो कहेंगे कि एक पहले वाले भी जो ए है उसने बी के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा। समझ गए होंगे? अगर और इनिशियल बात में बताएं तो हम जब अपनी कोई इंटरेस्ट, जब अपना कोई इच्छा किसी दूसरे के सामने के आगे रखते हैं अपना कोई काम करवाने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कंसेंट के लिए उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मैंने ऑफरी यहाँ पर बोला, इसे प्रपोजर भी कह सकते हैं और इसे प्रपोजी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अजय ने विजय से कहा कि भाई मेरा ये स्कूटर, कि मैं अपना स्कूटर 5,000 रुपये में बेचने को तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ पर अजय ने विजय के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वो उसका स्कूटर खरीद ले। अब विजय या तो ये कहेगा भाई 5,000 रुपये में तो महंगा है, या ये कहेगा कि ठीक है भाई आई एम एग्री और मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रपोजल। आगे चलते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे प्रपोजल क्या है। अच्छा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट करें, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। डेली क्लास का शेड्यूल आपको मैं बता दूं, आपके टेलीग्राम चैनल पर है और मैं यहाँ पर कम्युनिटी पर भी डाल देता हूँ। सुबह 8 बजे से क्लासेस हो जाती हैं आपकी, ठीक है, और आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल। अब कौन कौन से लीगल रूल्स आ जाते हैं अगर हम किसी प्रपोजल को लेकर जाते हैं? देखो, प्रपोजल होगा लीगली क्योंकि बिजनेस की बात आती है, तो उसके लिए लीगल कब होगा, क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं कि व्हेन अ प्रपोजल वुड बी लीगल। सबसे पहला आता है इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर आप इस बारे में प्रस्ताव रखते हो कि आप चाहते हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके और आपके बीच में लीगल रिलेशनशिप रहे, मान लीजिए कि आपने जो भी बात रखी वो काम लीगली तरीके से करवाने के लिए आप तैयार हो, तो वो आपका प्रस्ताव जो है कहलाएगा। अगर आप इनलीगल कोई बात करते हो
तो आप उसे कहीं ना कहीं पर प्रपोजल नहीं मान पोगे। सेकंड द टर्म मस्ट बी सर्टेन, यानी कि प्रस्ताव की सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए, कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 5,000 रुपये में अपना स्कूटर किसी को बेच रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हो या आपको छिपा रहे हो उससे, स्कूटर आपका खराब है समथिंग एस, तो वो नहीं होना चाहिए। टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, जितनी भी शर्तें हैं जो भी बात है वो खुली होनी चाहिए। पता लगा आज तो आपने 5,000 रुपये में स्कूटर बेचने की बात की, कल को वो आया आपने स्कूटर के कागज नहीं दिए कि भाई 5,000 में तो इतना ही मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। थर्ड वन इज दैट इज प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, जो प्रपोजल है वो एक रिक्वेस्ट की तरह होना चाहिए, ठीक है, विनय के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप प्रस्ताव रखते हो और किसी को ऑर्डर देते हो तो वह प्रस्ताव नहीं कहलाएगा फिर, वो तो ऑर्डर कहलाएगा। मान लीजिए कि ए ने बी को 1,000 रुपये में गाय बेचने का प्रस्ताव रखा और कहता है कि एक सप्ताह के भीतर कोई जवाब नहीं दिया तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। दिस इज नॉट काइंड ऑफ प्रपोजल। आपने कह दिया भाई एक हफ्ते में हाँ ना बता दिए, अगर तुमने हाँ ना नहीं बताया तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा जब तक मैं कंसेंट नहीं दूंगा। सो वैन अ पर्सन कुडेंट गिव देयर कंसेंट देयर विल नॉट बी द प्रपोजल। प्रपोजल के लिए सामने वाले व्यक्ति की सहमति होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है प्रपोजल मे बी जनरल और स्पेसिफिक। जो प्रपोजल है आपका वो या तो सामान्य होगा या विशिष्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखा जाता है तथा केवल वही व्यक्ति उस पर स्वीकृति दे सकता है और कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्वीकृति दे दे तो चल जाएगा। तो जो प्रपोजल है वो जनरल भी हो सकता है सामान्यतः, और एक स्पेसिफिक किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो आपका ऑफर है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, यानी कि वो संवहन होना चाहिए, उसमें कनेक्शन होना चाहिए। प्रस्ताव तो रखा आपने किसी व्यक्ति के सामने और आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आप उसके सामने अपनी बातें नहीं रख रहे हो, सत्य नहीं बता रहे हो, तो वो प्रस्ताव बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। प्रस्ताव में हम मान लीजिए आपने मेरे सामने कोई बात रखी, मैं आपसे उस बारे में पूछ सकता हूँ, उसके बारे में जानकारी ले सकता हूँ, है ना बच्चों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों अभी हमारे थ्योरी के नोट्स आने वाले हैं और थ्योरी के नोट्स जो है आपको इतने रुपए के हिसाब से मिलेंगे, जो खरीदना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन आप लोग नहीं लेना चाहते या आप लोग लेना चाहते हो, ये आपका कंसेंट है और तभी जाके वो अप्रूवल होगा, तभी जाके वो प्रपोजल बनेगा। तो कम्युनिकेटेड होना बहुत जरूरी है ऑफर का। लास्ट आता है एन ऑफर डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर। कोई भी ऑफर जो है वो प्रस्ताव के नियंत्रण से भिन्न होता है। मान लीजिए प्रस्ताव के लिए नियंत्रण देना और प्रस्ताव करना दोनों अलग बात है। एक होता है कि भाई मैं तुम्हें प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में ये एक गाड़ी है मेरी, इसे बेचने के बारे में सोच रहा हूँ आपको कि मैं इतने में दे दूँ, ये अलग चीज़ है। एक है भाई एक मेरी गाड़ी है, इतने रुपये में तुम लेना चाहते हो तो ले लो। तो दोनों में अलग अलग बात है, यानी कि प्रपोजल, और एक होता है इन्विटेशन टू प्रपोजल, यानी कि एक ऑफर, एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, दोनों में चेंजेस है। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट बी ए प्रपोजल। अगर आप किसी को आमंत्रित कर रहे हो कि भाई आए और मेरा सामान इतने में लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं दे दूँ आपको, तो दैट इज नॉट काइंड ऑफ प्रपोजल। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार और बहुत ही तजुर्बेकार वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। क्या होता है कि थ्योरी की क्लास कोई बच्चा लंबा नहीं लेना चाहता, मतलब वो नहीं चाहता कि वो एक घंटे की आधे घंटे की 35 मिनट की थ्योरी क्लास ले। आपके लिए रिकॉर्डेड इसलिए बना रहे हैं बिकॉज आपके लिए रेगुलर टच में रहेंगे, आप जब चाहे देख सकते हो। कम से कम टाइम में मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट इनकी तैयार कर दी गई है, प्लेलिस्ट ईयर 2021-2022 के अकॉर्डिंग तैयार की गई है, आप उसे देख लें अच्छे से समझ लें तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता लग जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड विल बी प्रोवाइड यू ऑल द थ्योरी नोट्स इन नेक्स्ट मंथ। थैंक यू वेरी मच।